So hey guys, in this video I am going to show you how to make a 12 volt ceiling fan at home using PVC plastic pipes. In making this fan we have used drawn motors due to which has very high RPM and it is made in very less money. So there are many features in this fan which you will see in the video at the time of testing. So let's start the video. Adi Lab Experiment. Thank you.
हमारा जो ड्रोन मोटर होता है वो ESC से कनेक्ट होने के बाद ही रन करता है। तो इसके लिए हमें एक सर्वो स्पीड टेस्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने ले रखा है। तो हमारी ESC के जो वायर्स हैं वो सर्वो स्पीड कंट्रोल में जो 3 वायर जा रहे हैं उनको हम काट के बड़ा कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो स्पीड कंट्रोलर है अब ये फैन रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। सो गाइस, ड्रोन मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर 3.5 एम्प्स की मैंने सप्लाई ली है 12 वोल्ट्स की, जो कि हमारे इस फैन के लिए इनफ है। तो चलिए अब टेस्टिंग करके देखते हैं, अपने फैन को ऑन करके देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फैन है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। इस वीडियो में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई और इस वीडियो को काफी यूट्यूबर्स ने बना रखा है, लेकिन किसी ने भी इतना हाई आरपीएम वाला फैन नहीं बनाया है, वो भी इतने चीप प्राइजेस में। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर किसी भी टाइप की कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, हमेशा एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है सच्चाई के साथ। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी ये बात पता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और यार, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशनों से और नॉलेज से भरी हुई। और दोस्तों, इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए गए हैं, जाकर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।